हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.3 क्लास इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप्स इज रुपीज फिफ्टी थ्री विल बी द कॉस्ट ऑफ 16 सच सोप्स सो क्वेश्चन को हम यूनिट्री मेथड से सॉल्व करते हैं सो डजन सोप्स इज इक्वल टू ट्वेल्व सोप्स ओके एक डजन में होती हैं ट्वेल्व आइटम्स सो ट्वेल्व सोप्स की कॉस्ट दी हुई है सिक्सटीन सोप्स की कॉस्ट हम निकाल लेंगे सो वी विल यूज यूनिट्री मैथड कॉस्ट ऑफ डजन मतलब ट्वेल्व सोप्स इज इक्वल टू रुपीज वन फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्सटी सो कॉस्ट ऑफ वन सोप कितनी आएगी कॉस्ट ऑफ वन सोप इज इक्वल टू 153.60 डिवाइडेड बाय 12 रुपीस। अब हम इसको यहीं पर भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर जब आप 16 सोप्स की कॉस्ट निकालोगे वहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो सो so, मैं इसको यहीं पर सिम्प्लीफाई कर दूंगी सो so, पहले मैं इसका डेसिमल रिमूव कर दूंगी सो दिस विल बी 15,360 डिवाइडेड बाय 100। सो so, डेसिमल को रिमूव किया डिनोमिनेटर में आया वन डेसिमल के पीछे जितने डिजिट हैं उतने लग गए जीरो सो so, इस केस में डेसिमल के पीछे टू डिजिट हैं सो so हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को बाय वन हंड्रेड अब ट्वेल्व ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था तो साथ में यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में ट्वेल्व अब आप इसको सॉल्व कर लो अब फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी के डिजिट्स का टोटल सम कितना है सिक्स प्लस थ्री नाइन नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन सो मतलब दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय थ्री क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय थ्री सो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स साथ में आया ज़ीरो अब ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है ये हंड्रेड के लास्ट वाले ज़ीरो के साथ कैंसल हो जाएगा अब फाइव हंड्रेड ट्वेल्व मुझे दिख रहा है कि ये फोर के साथ डिविजिबल है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप टू के साथ भी दोनों नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो सो फोर वन ज़ा फोर यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर वन ज़ा फोर वन बचा साथ में आ गया वन ये बना इलेवन फोर टू ज़ा एट तो ये कितने बचे थ्री थ्री के साथ आ गया टू ये बना थर्टी टू फोर एट ज़ा थर्टी टू सो दिस इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई टेन सो दिस इज रुपीस ट्वेल्व पॉइंट एट ठीक है सो so, इतनी कॉस्ट आ गई वन सोप की अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ सिक्सटीन सोप्स सो कॉस्ट ऑफ सिक्सटीन सोप्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन सोप विच इज रुपीज ट्वेल्व पॉइंट एट मल्टीप्लाई कर दो सिक्सटीन के साथ सो दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर फिर से मैं इसका डेसिमल रिमूव कर दूंगी, सो दिस विल बी 128 ट्वेंटी एट 10, बाई टेन मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन सो अब आप इसको सॉल्व कर लो सो so, या तो आप सीधा ही 128 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो या फिर आप इसको पहले 2 के साथ डिवाइड भी कर सकते हो टू फाइव ज़ा टेन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू फोर ज़ा एट सो so, अब आप 64 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लो सो सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन इज़ इक्वल टू सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर टू कैरी सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स प्लस टू थर्टी एट मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी फोर तो ये कितना आया फोर एट प्लस फोर ट्वेल्व वन कैरी सिक्सटी नाइन प्लस वन टेन सो थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो थाउजेंड ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय फाइव सो दिस इज़ इक्वल टू फाइव टू ज़ा टेन फिर आएगा ज़ीरो फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फोर बचे साथ में आया ज़ीरो फाइव एट ज़ा फोर्टी सो रुपीज़ टू हंड्रेड फोर पॉइंट एट तो जब हम रुपीज़ को ऐसे डेसिमल्स में लिखते हैं ना तो हम इसको ऐसे टू डिजिट तक कंप्लीट कर देते हैं ठीक है सो पॉइंट एट तक आया था तो हम पीछे एक और ज़ीरो लगा देंगे इसको बना देंगे पॉइंट एट्टी ओके रूपीज टू हंड्रेड फोर पॉइंट एट्टी इज योर आंसर अगर आपको डायरेक्ट डिवीज़न करने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो ठीक है अब यहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है यूजिंग यूनिटरी मेथड। आप इसी क्वेश्चन को प्रोपोर्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करके दिखाया है ठीक है Thanks for watching. See you next time. Bye.